नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह पाक सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज है 13 फरवरी। आइए जानते हैं बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले करियर समाचार। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग में 1,207 GDO के पदों पर भर्ती। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने जनरल ड्यूटी ऑफिसर GDO के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी WBHRB.in पर जाकर 20 फरवरी को शाम 8 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर बताते चले कि WBHRB का यह भर्ती अभियान राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1,207 रिक्तियों को भरने के लिए है। इसमें से 370 पद सामान्य वर्ग के, 231 पद ST, 197 OBC B, 175 पद OBC A और 108 पद दिव्यांगों के लिए निर्धारित है। WBHRB GDO भर्ती के लिए अभ्यर्थी के बाद MBBS डिग्री होना चाहिए, साथ ही इंडियन मेडिकल काउंसलिंग IMC या राज्य मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने के 6 माह के भीतर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। केंद्र में जदयू के मंत्री भी होंगे शामिल। बिहार से बीजेपी के हैं 4 मंत्री। नमोसा से मिलकर लौटे नीतीश ने कहा, यह बहुत पहले हो जाता, अब होगा। बीजेपी से रिश्ते में ऊर्जा भर लौटे नीतीश। 11 माह बाद दिल्ली से गए तो एक तीर से कई निशाने साधे। पुराने संबंधों को नए तरीके से लेकर चलने की कवायद को नीतीश कुमार तरजीह दे रहे हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद CM नीतीश कुमार शुक्रवार शाम पटना लौटे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के दौरान एक तीर से कई निशाने साधे। अब तक CM नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू के शामिल होने पर टालमटोल करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लौटते ही उन्होंने जदयू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले ही जदयू शामिल हो जाता, लेकिन अब जब विस्तार होगा तो जदयू भी शामिल होगा। जब केंद्र में NDA की सरकार बनी थी तब जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि उसे सांकेतिक नहीं अनुपातिक हिस्सा चाहिए था, यानी संख्या के आधार पर मंत्री की संख्या होनी चाहिए। तब नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि जब तक अनुपातिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। तब से लेकर अब तक जदयू केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति और वेतन देंगे। नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि वे राज्य भर के शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति तथा वेतन देंगे, लेकिन शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने में अपनी 100% क्षमता का उपयोग करें। शैक्षिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री ने पदभार संभालने के दूसरे दिन विभाग के कई निदेशालयों के कामकाज की जानकारी ली। इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब थे। शुक्रवार को करीब 1.5 घंटे उन्होंने विभागीय प्रमुखों संग कामकाज की जानकारी ली। माध्यमिक निदेशालय, प्राथमिक निदेशालय तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशकों ने अपनी योजनाओं और प्रमुख कार्यों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में चल रही शिक्षकों की बहाली कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते नहीं हो पा रही है। हस्तक्षेप खत्म होते ही यह बहाली होगी। बहाली में आरक्षण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इधर बताते चले कि मंत्री ने यह भी बताया कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की निगरानी जांच को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। गौरतलब हो कि 1.03 लाख नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच अभी बाकी है। सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद प्राथमिक निदेशालय ऐसे शिक्षकों को अपनी डिग्री अपलोड करने के लिए समय निर्धारित करेगा। एक सवाल पर कहा कि विभाग की तरह सभी संस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा। सभी अकादमी संस्थान अपने गठन के उद्देश्य की दिशा में कार्य करे इसकी कोशिश होगी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट। पंचायत चुनाव नजदीक आया तो नाम सुधार, बूथ में बदलाव और आरक्षण के आने लगे हैं कई मामले। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का मुद्रण 24 फरवरी 2021 तक कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दावा आपत्ति का निराकरण 20 जनवरी से 8 फरवरी तक
किया जाना तय है, लेकिन अभी भी हर दिन 20 से 35 आवेदन निर्वाचन आयोग में रहे हैं। पंचायत चुनाव सिर पर आते ही तीन तरह के आवेदन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पहला, मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, दूसरा, बूथ में बदलाव की मांग के लिए, और तीसरा, आरक्षण के सवाल पर। ये आपत्ति डाक और मेल से तो आ ही रहे हैं, लोग आवेदन लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के ऑफिस भी पहुँच रहे हैं। इन आवेदनों को डायरी पर चढ़ाया जा रहा है, फिर कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों तक भेजा जा रहा है। इससे जुड़ा पत्र तैयार कर डीएम को भेजा जा रहा है। इधर बताते चले कि शुक्रवार को धनरुआ के कुछ लोग ऑफिस में पहुंचे। पटना जिले के धनरुआ प्रखंड की मई नेतौत पंचायत के दतमई ग्राम के वार्ड संख्या 12-13-14 की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में जानबूझकर या किसी से प्रभावित होकर मतदाताओं के नाम में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तैयार है बिहार। 13 फरवरी को बेंगलुरु पहुंचेगी टीम। 5 दिन में 3 कोरोना टेस्ट होंगे। 20 को रेलवे से पहला मैच। इस सत्र में BCCL का सबसे बड़ा आयोजन है विजय हजारे ट्रॉफी। बिहार को रखा गया है ग्रुप सी में। बेंगलुरु में ही होंगे सभी मैच। बेंगलुरु में 20 फरवरी से शुरू हो रही BCCL की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बिहार की क्रिकेट टीम तैयार है। 13 फरवरी को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने से पहले शुक्रवार को टीम ने पटना में फोटो सेशन कराया। इससे पहले मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन हुआ, जिसमें सभी चयनित 22 प्लेयर्स मौजूद थे। ट्रॉफी में बिहार को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसके सभी मैच बेंगलुरु में ही होने हैं। 13 फरवरी की शाम टीम जैसे ही बेंगलुरु पहुंचेगी, सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अगले 5 दिनों में टीम को 3 कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। 20 फरवरी से लीग राउंड शुरू होगा, जिस दिन बिहार को अपना पहला मैच रेलवे के खिलाफ खेलना है। लीग राउंड 5 फरवरी तक चलेगा, जिस दौरान बिहार टीम को 5 मैच खेलने हैं। लालू प्रसाद की जमानत पर फैसला 1 सप्ताह बाद। लालू और CBI के रिकॉर्ड में 28 दिन का अंतर। अब 19 फरवरी को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। शुक्रवार को लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद की न्यायिक हिरासत का रिकॉर्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि लालू ने 28 महीने 29 दिन जेल में बिताए हैं, उनकी आधी अवधि पूरी हो गई है। जबकि CBI का कहना है कि उनकी न्यायिक हिरासत की गणना सही नहीं है, उन्होंने अभी 27 महीने 6 दिन की अवधि ही जेल में व्यतीत की है। दोनों पक्षों की ओर से अदालत को दिए गए हिरासत अवधि में 28 दिनों का अंतर दिखा। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई अगले 19 फरवरी को निर्धारित कर दी। ये दुमका कोषागार का मामला है, जिसमें लालू यादव को 7 साल की सजा हुई है। सुधा की तर्ज पर 18 काउंटर खुलेंगे, 15 रुपए में देंगे खाना। CCTV सर्विलांस भी लगवाएगा निगम। पटना नगर निगम में PPP मोड़ पर कई नए काम होने जा रहे हैं। गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में सुधा की तर्ज पर 18 काउंटर खोलने, 15 रुपए में सबसे सस्ता खाना उपलब्ध कराने सहित शहर की निगरानी के लिए CCTV सर्विलांस भी लगवाने का फैसला लिया गया है। प्रयोग के तौर पर पटना में 3 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी प्रस्ताव पास हुआ। शहर में PPE मोड़ पर CCTV कैमरा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा स्वीकृत योजना के तहत इंस्टॉल कराया जाएगा। इसे चलाने के लिए वैभव एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को चयनित किया गया। एजेंसी SSP पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर CCTV कैमरे लगाएगी। पटना नगर निगम में वैकेंसी। प्रोजेक्ट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, पर्यावरण विशेषज्ञ, सहायक स्टेनोग्राफर की होगी बहाली। पटना नगर निगम में रोजगार के अवसर बन रहे हैं, कई पदों पर नियुक्ति को लेकर सहमति बनी है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम के वर्तमान प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंस्टेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। निगम की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। अब इस पर उच्च स्तरीय सहमति के बाद प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद बोले, कार्बन उत्सर्जन घटाकर बनाएंगे हरित बिहार। बिहार ने निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की ओर शुक्रवार को महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के समर्थन से जलवायु परिवर्तन अनुकूल और निम्न कार्बन उत्सर्जन की रणनीति पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और UNEP के बीच नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कहा कि राज्य जलवायु परिवर्तन अनुकूल और कम कार्बन उत्सर्जन होने के मार्ग पर चलकर टिकाऊ पर्यावरण के लिए
संकल्पबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लिए खतरे की घंटी है, इससे निपटने के लिए तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।